आईपीएल के इतिहास में जो अभी तक नहीं हुआ वो आईपीएल 2020 में होने जा रहा है, यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आईपीएल 2020 का फाइनल जीतने जा रहे हैं और हम सभी आरसीबी फैंस का इंतजार खत्म होने जा रहा है। और इस बात को हम पहले ही कह चुके थे जब आईपीएल 2020 के ऑक्शन के दौरान आरसीबी का स्क्वाड बनाया गया था। और अभी जिस प्रकार से परफॉर्मेंस आ रही है, बेहद अच्छी परफॉर्मेंस निकल कर आ रही है, जहां पर एवी डिविलियर्स, विराट कोहली, युजवेंद्र चहल तो पहले से ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो इस बार इन्होंने एडिशन किया है देवदत्त पाडिकल, एरन फिंच का, वो तो ऊपर से अच्छी बैटिंग कर ही रहे हैं और बॉलर्स में नवदीप सैनी, इसरू उड़ाना, क्रिस मॉरिस जैसे दिग्गज रन्स कम दे रहे हैं। तो इस वीडियो में हम पूरी बात करने वाले हैं, पूरा एनालिसिस करने वाले हैं क्यों आरसीबी की टीम आईपीएल 2020 का फाइनल उठाने वाली है, ट्रॉफी उठाने वाली है। तो अगर आप भी मेरी तरह एक आईपीएल फैन है, आरसीबी फैन है, विराट कोहली एवी डिविलियर्स के फैन है, तो फटाफट अभी इस वीडियो को लाइक कर दें। और आपको क्या लगता है, आरसीबी की टीम जीत पाएगी, ट्रॉफी नहीं जीत पाएगी, कमेंट बॉक्स में अभी बता दें। पहले पॉइंट की बात करें इनकी जीत का, वो रहने वाला है इनका बैटिंग ऑर्डर। आपको बता दें पिछले साल तक जो सबसे बड़ा कारण है वो है बैटिंग ऑर्डर का। आपको बता दें पिछले साल तक सभी बड़े बैट्समैन को ट्राई किया गया था, डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन तो इनके पास हमेशा सही रहते हैं, लेकिन इस बार जो इन्होंने दो बड़े नाम लिए हैं, एरन फिंच और देवदत्त पाडिकल, जो दो ओपनर्स लिए हैं, ये अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, लगातार ऊपर से रन स्कोर करके देते हैं, पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल करके दे रहे हैं, और जिसके बाद विराट कोहली एवी डिविलियर्स को आसान हो रहा है। तो ये इनका जो सबसे बड़ा पॉइंट है, पहला पॉइंट है, इनके पास एक अच्छी पॉजिटिव वैल्यू इनके सामने निकल कर आई है। दूसरे पॉइंट की बात करें वो है ऑलराउंडर्स का, बैट्समैन तो अच्छे होते ही थे, मिडिल ऑर्डर अच्छा होता था जहां पर एवी डिविलियर्स, विराट कोहली संभाल लेते थे, लेकिन इस बार ऑलराउंडर्स में हम देखते हैं तो शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, क्रिस मॉरिस, ये तीन इनके ऑलराउंडर्स के तौर पर खेल रहे हैं और फाइनल तक यही खेलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ऑलराउंडर के तौर पर ये भूमिका अच्छी निभा रहे हैं। शिवम दुबे ने शुरुआती दो मैचेस आप जानते ही किस प्रकार से परफॉर्मेंस की थी, बॉल के साथ अच्छा कर रहे थे, बैटिंग के साथ अच्छा कर रहे थे, और अब भी जब भी जरूरत पड़ती है स्कोर करके जाते हैं, विकेट्स निकालते हैं। तो वहीं वाशिंगटन सुंदर स्पिन पिचेस पर लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और क्रिस मॉरिस ने तीन मैचेस खेले हैं और तीन मैचेस में ही अपना कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, जहां पर पहले दो मुकाबले में पांच विकेट्स लिए थे और आखिरी मुकाबले में विकेट इनको नहीं मिला, लेकिन ये बैट के साथ रन स्कोर करके दिए थे। तो दूसरा पॉइंट है इनका ऑलराउंडर्स के तौर पर। तीसरा पॉइंट है इनका पेसर्स के डिपार्टमेंट में, यानी डेथ ओवर में रन देते थे, लेकिन इस बार नवदीप सैनी, इसरू उड़ाना जिस प्रकार से बॉल कर रहे हैं, रन इन पर स्कोर करना काफी मुश्किल पड़ रहा है सभी टीम्स को, और आरसीबी की टीम यहां पर रन बचाकर रख रही है और जो रन इनकी जीत में काफी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और एक अच्छा एडिशन है क्रिस मॉरिस का, जो डेथ बॉलर स्पेशलिस्ट है, नवदीप सैनी, इसरू उड़ाना, क्रिस मॉरिस, तीन बड़े इनके डेथ बॉलर स्पेशलिस्ट है और जिसके चलते रन इन पर स्कोर करना काफी मुश्किल पड़ रहा है। तो ये तीन बड़े पॉइंट्स है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इनका ऑक्शन में इनका स्क्वाड बनाया गया था, ऑक्शन में स्क्वाड बना हुआ था, तब से हम कह रहे थे कि आईपीएल 2020 में आरसीबी की टीम कुछ अलग करने वाली है, अच्छा परफॉर्म करने वाली है, बेहतर करने वाली है, और इस बार हमें ये रिजल्ट दिखाई दे भी रहे हैं। तो गाइस आपको क्या लगता है, मेरे हिसाब से तो आईपीएल 2020 में आरसीबी की टीम ट्रॉफी उठाने वाली है, ट्रॉफी उठाने का दम रखती है। आपको क्या लगता है, क्या ये ट्रॉफी उठा पाएगी, कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन जरूर से बताएं। सभी आईपीएल फैंस, सभी क्रिकेट फैंस लगातार अपडेट्स पाते रहने के लिए, आईपीएल अपडेट्स लगातार पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल प्रेस करके रख लें, और आरसीबी फैंस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।